नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रश्मि कीर्तन और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आने वाले एग्जाम है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन के आने की संभावना है। मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है, ये जैसे कि क्लोज, फिर इसको इस कोड को इस रूप में लिखा जाता है, फिर इसको इस फिर ओपन को किस रूप में लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसके जब भी एबीसीडी का केस आता है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या देखना है, जैसे कि यहाँ पे जितने लेटर दिया है वही लेटर यहाँ है क्या, आगे पीछे करके दिया है क्या, ऐसे आपको देखना है। पहले तो आपको ये चेक करना है। यदि मान लो ऐसे नहीं मिलता, जैसे कि क्लोज में जितने लेटर है यहाँ पे, क्लोज में यहाँ पे उतने लेटर तो है लेकिन जो यहाँ पे सी है यहाँ पे सी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे केस में मतलब सी एल ओ एस सी इसमें है क्या, नहीं है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए। तो सी का कोड कितना होता है दोस्तों, सी का नंबरिंग होता है 3, एल का कितना होता है एल 12, ओ का 15, एस का 19, ई का 5। एबीसीडी का नंबर कैसे याद करना है दोस्तों, ये मैंने पहले दो वीडियो बना चुका हूं, आपने यदि वो नहीं देखा जरूर देख ली। उस वीडियो में दोस्तों मैंने बताया कि कैसे याद करना है, कैसे आसानी से आप मेमोराइज कर सकते हैं। अब देखिए डी का कितना होता है दोस्तों 4, एन कितना होता है 14, मेरा नाम 13 14, आर राइट एज फॉर वोट 18, डब्ल्यू कितना होता है उल्टा 3 मतलब 23, और जे ओ टी जे कितना होता है 10, और ओ कितना होता है जे ओ टी 10 15 20 होता है 15 हो गया, पी पूजा 16 सोमवार, E का है 5 है, N मेरा नाम 13 14, ये हो गया नंबरिंग। अब आपको देखना है कि कहां से रिलेशन बन रहा है। जैसे देखिए 3 है, 3 के बाद कितना बन रहा है 4 प्लस 1 हुआ, फिर 12 है, 12 के बाद कितना बन रहा है 14 प्लस 2 हुआ, फिर 15, 15 के बाद कितना बन रहा है 18 तो प्लस 3, फिर कितना है 19 और कितने होने पे 23 प्लस 4, इसी तरह 5 प्लस 5। मतलब कैसे कर रहा है, पहले एक जोड़ रहा है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच। तो इसी तरह हमें 15 प्लस 1, तो 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, फिर क्या करेंगे 16 में दो जोड़ेंगे प्लस 2, तो 16 प्लस 2 18, इसी तरह 5 में कितना जोड़ेंगे 3, तो 8, और 14 में 4 कितना हो जाएगा 18, तो कितना आ जाएगा 16। किसका होता है, पी का नंबर होता है 18, कितना होता है राइट एज फॉर वोट 18 ईयर्स, तो आर आ गया, और 8 किसका कोड होता है, H का कोड होता है 18 R, मतलब P R H R हमारा आंसर क्या हो जाएगा C नंबर। तो दोस्तों इस तरह से करना, आपको थोड़ा लेंदी लग रहा है, मैं समझा के कर रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं, आप इसको फटाफट नंबरिंग कर दीजिए फिर देख लीजिए क्या रिलेशन बन रहा है, क्योंकि जो जब हम नंबर होता है तो उसको रिलेशन निकालना बहुत आसान होता है, ABCD में थोड़ा टफ लगता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 को यदि 6 का नेक्स्ट नंबर ऐसे लिखा जाता है तो 7 का अगला नंबर क्या लिखा जाएगा वो बताना है। तो सबसे पहले 6 और इसके बीच में रिलेशन निकालना है। अब जैसे कि देखिए ये 6 बहुत छोटा नंबर है और ये जो 222 है ये बहुत बड़ा नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो 6 है इसमें कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा तब जाके इतना नंबर बना होगा। तो हम इसको एक रिलेशन कैसे निकाल सकते, 6 का यदि क्यू निकाले तो कितना हो जाएगा 6 का क्यू 216 प्लस कितना दूर है, आप देखिए 222 के एकदम आसपास हो गया, पहले स्क्वायर करके देखना है फिर क्यूब करके देखना है, तो हमने जनरली दिख रहा है कि ये क्यूब का है ना, तो 216 आपका यदि क्यूब याद है तो 6 का स्क्वायर कितना, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। अब 216 से 222 तक पहुंचने में कितना हमें चाहिए और दोस्तों यहाँ पे 6 और ऐड करना है, तो 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 222। इसी तरह 7 का केस है तो हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब कर देंगे, 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 7, यहाँ पे 6 का क्यूब कर रहे थे और 6 ऐड कर रहे थे, यहाँ पे 7 का क्यूब कर रहे हैं 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 350। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका, पहला वाला नंबर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जनवरी पहला महीना है जनवरी, और नवंबर कौन सा महीना होता है दोस्तों, ग्यारहवां महीना होता है, ठीक है। अब जनवरी से नवंबर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। जनवरी से नवंबर में जाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, दो पीछे, मतलब नवंबर के बाद दिसंबर फिर जनवरी आता है, और जनवरी से यदि नवंबर जाएंगे तो पीछे दो जाना पड़ेगा, माइनस दो करना पड़ेगा। इसी तरह संडे हमारा क्या होता है, इसको यदि हम पहला माने तो इसके पीछे दो जाना पड़ेगा, पीछे दो माइनस टू, मतलब संडे के पहले क्या आता है दोस्तों, संडे के पहले सैटरडे और सैटरडे के पहले फ्राइडे मतलब शुक्रवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर शुक्रवार। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब ये चौथा नंबर देखिए, ये भी एबीसीडी पर आधारित है। अब इसमें देखिए मैंने क्या बोला, जब भी एबीसीडी आता है तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें जितने लेटर है, इसमें जितने लेटर है वो यहाँ पे दिख रहे हैं कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे डी आर आई, तो डी भी है, आर भी है, आई भी है, ठीक है, फिर वी वी है, ई वी है, ई और वी वी है। तो हमें
इससे क्या पता चल गया कि इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं। यहां पे क्या किया है, ये जो लेटर है उसको आगे पीछे करके ही लिखा गया होगा। तो पहले देखिए ईआईडी लिखा है, तो मतलब क्या है, ई उसके बाद आई उसके बाद डी लिखा है। तो यहां पे भी वैसे ही अपने को करना है क्या, एम उसके बाद बीच वाला उसके बाद बी, मतलब क्या आ जाएगा, एम जी बी, ये तीन आ गया। उसके बाद लास्ट के दो लेटर कैसे लिखा है, आर और वी। आर कहां है, ये वाला लेटर, और वी ए वाला लेटर, आर और वी। तो इसमें कौन कौन सा बचा, ई और यू बचा, तो ई और यू आ जाएगा यहां पे, ई और यू। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो जाएगा, एम जी बी ई यू, बी नंबर इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या करना है, विषम का पता लगाना है जो समूह में संबंधित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा अलग है वो निकालना है। ऑड मैन आउट जो होता है वही चीज हमें निकालना है। देखिए पहला क्या है, यहां पे गैलन दिया है, टन दिया है, यहां पे क्विंटल, यहां पे किलोग्राम। तो ये क्या है, जो मापने का इकाई दिया गया है कहीं ना कहीं, यहां पे क्या है, सारे क्या है, मापने की इकाई है। अब देखिए यहां पे ध्यान से, टन किलोग्राम क्विंटल ये सारे तो आपने सुना होगा, ये क्या होता है, ठोस वस्तु को मापने की इकाई होता है ये। और ये जो गैलन है ये क्या है, द्रव को मापने की इकाई होता है। तो हमारा जो सबसे अलग है वो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, यहाँ पे विषम कौन सा है, ए हो गया। नेक्स्ट क्या है, विषम का पता लगाइए जो समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे भी विषम पता करना है जो समूह से संबंधित नहीं है, तो उसमें भी कौन सा अलग है वो देखना है। देखिए तैराकी ये क्या होता है, पानी से संबंध रखता है। डाइविंग ये भी पानी से संबंधित है। नौका विहार ये भी पानी से संबंधित है। और यहाँ क्या है, ड्राइविंग, यहाँ देखिए ड्राइविंग और डाइविंग, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डाइविंग मतलब पानी में छलांग लगाना, कूदना, उसको डाइविंग बोला जाता है। और यहाँ पे ड्राइविंग मतलब क्या होता है दोस्तों, कार चलाना या फिर गाड़ी चलाना, उसको बोलते हैं ड्राइविंग। तो हमारा सबसे अलग कौन सा, विषम सी नंबर, ड्राइविंग, इसका आंसर क्या होगा, ड्राइविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, इसमें भी वही ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना है। तो विषम कौन सा है वो पता करना है। देखिए पहला क्या है, 10, फिर 14, फिर 16, फिर 18, 24 और 26, ये सारे क्या है, सम संख्या है। और जो ये 21 है ये क्या है, विषम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21। आठवें नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, विषम का पता लगाइए। अब विषम का कैसे पता लगाएंगे, देखिए यहाँ पे एक सीरीज टाइप का दिख रहा है, तो आप इसमें अंतर निकाल सकते हैं, फिर इसमें देख रहे हैं, इसमें ऐसा देख सकते हैं कि सब में क्या कॉमन है क्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इस पहले वाले नंबर में क्या दिख रहा है, 5 और 3 क्या हो रहा है, दोनों को ऐड किया है, 5 और 3 को 8 आया है। 4 और 2 को जब ऐड किया है 6 आया है। 5 और 2 को ऐड किया 7 आया है। 3 और 6 को 9 की ऐड किया है 9 आया है। और 4 और 7 जब ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 7 4 11 होता है, फिर इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये वाला जो नंबर है ये वाला क्या है, रॉन्ग है। और इसमें देख लेते हैं, इसमें भी सही है कि 6 और 1 7 हो गया, 2 और 4 6 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो विषम है वो कौन सा है, ये वाला है, 427। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 427। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये नौवां क्वेश्चन है, इसमें दिया है नोएडा और इसका कुछ कोड दिया है नंबरिंग, और इसमें हमसे पूछा है कि इंडिया का क्या कोड होगा। ठीक है, इंडिया का जो नंबर लिखा जाएगा वो क्या होगा। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें जितने लेटर है इसमें भी उतना लेटर, और सभी चीज यहाँ है, मतलब क्या किया गया, इसी जो लेटर है लेटर का इंडिविजुअल नंबर दे दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे आसान तरीका पहला और आखिरी पहले ले लीजिए आप। पहला वाला क्या है, आई है, तो आई का नंबरिंग क्या है, ए वाला आई है, बीच वाला, तो आई का ये है 6। तो पहला जो आएगा वो तो 6 आएगा। अब ऑप्शन में देखिए 3 में 6 है, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, अब बचा कितना, 3। अब आखिरी वाला देख लीजिए, ए, ए का कोड क्या है, यहाँ पे 8 है ए का कोड, तो आखिरी वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब देखिए ये वाला आखिरी में 9 है, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास 2। अब 2 में से क्या करिए, आप इसके बीच में से कोई भी एक उठा के देख लीजिए, जैसे डी है, तो डी का हम देख लेते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा, डी का सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट का क्या है, 5 नंबर, मतलब बीच वाला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखिए इसमें बीच वाला क्या है, 3, और इसमें 5 है, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों दसवां नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, इसमें 3-3 का जोड़ा दिया है, इसमें हमें अगला क्या आएगा वो निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नंबरिंग करना पड़ेगा। तो क्यू का क्या नंबरिंग होता है, क्यू 17 खतरा, रानी 17 खतरा, तो 17 हो गया। 18 टी का है 20, एक्स क्या है 24 हो गया। सी कितना है 3, एफ 6, फिक्स 6, जे ओ टी, जे का 10 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, आर राइट एज फॉर वोट 18, बी 22, ये हो गया नंबरिंग। अब देखिए इसके 24 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, ये 5 का डिफरेंस है प्लस 5, और इधर 10 और 5 के 15 के बीच में कितना प्लस 5, मतलब नेक्स्ट जो आएगा 22 के बाद
क्या आएगा प्लस 5, तो कितना हो जाएगा प्लस 5 27 होता है, लेकिन हमारे पास कितना लेटर होता है 26 तक होता है, मतलब 26 के बाद हमें क्या काउंट करना पड़ेगा 1, ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। यहां पे 22 है, 22 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, जबकि हमारे पास लेटर कितने तक होता है 26 तक होता है, तो 26 के बाद फिर से 1 से रिपीट होगा तो हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब आगे देखते हैं, 17 और कितने होने पे 20 प्लस 3 किया है यहां पे प्लस 3, और 20 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, तो यहां पे भी देखते हैं प्लस 3 प्लस 4 किया है तो यहां पे भी क्या होगा दोस्तों इसके आगे प्लस 3 और प्लस 4, यहां पे भी देख सकते हैं 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, तो 1 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा यहां पे दोस्तों 4, 4 प्लस 4 8, मतलब क्या आ जाएगा हमारा 1 किसका नंबर होता है ए का, 4 किसका नंबर होता है डी का, और 8 किसका एच का, ए डी एच, हमारा आंसर क्या है दूसरा नंबर ए डी एच। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ए, अब ए का नंबरिंग कर दीजिए 1, जी का कितना होता है 7, एल का कितना होता है 12, पी का कितना होता है दोस्तों यहां पे 16, और एस का कितना होता है 19। अब देखते हैं इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, कितना है ए प्लस 6 किया है, फिर 7 प्लस 5 किया, 7 5 12, फिर 12 प्लस 4 किया है, यहां पे प्लस 3 किया है, इसके बाद प्लस 2 होगा, मतलब क्या होगा एक एक कम होता जा रहा है, तो 19 प्लस 2 क्या हो जाए 20, 21, और 21 कितना किसका कोड होता है युवा, यू का कोड होता है 21, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया, दिए गए शब्दों को वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और जो शब्द अंत में आता है उसे चुनिए, ठीक है। अब वर्णानुक्रम में बोला है मतलब क्या है दोस्तों, हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है, मतलब सबसे अंत में कौन सा आएगा वो लिखना है आपको, तो ए से जेड तक। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी शब्द हुआ एस, एस के बाद ए आया मान लीजिए, एस के बाद बी आया, एस के बाद सी आया, तो इसमें क्या होगा दोस्तों ये सी वाला, जो सी वाला ये क्या होगा पहले एस आएगा फिर लास्ट में सी आता है, एस के बाद देखिए एस के बाद ए आ रहा है फिर बी फिर सी, तो ये वाला जो एस सी है ये वाला क्या होगा लास्ट वाला, तो इसमें पूछ रहा है कि लास्ट वाला कौन सा होगा। देखिए चारों में क्या है, सबसे पहला जो अक्षर है वो क्या है एफ एफ है, तो चारों में हमें चेक करना पड़ेगा दूसरा। अब दूसरे में देखिए इसमें क्या है आई, और इसमें क्या है एल, इसमें क्या है ओ, और इसमें ओ। अब देखिए आई वाला तो सबसे पहले ही आएगा तो इसको तो हमें हटा देते हैं। अब देखिए इन तीनों में देखना है कि कौन सा पहले कौन सा लास्ट में, एल के बाद क्या आता है ओ, के एल एम एन ओ, तो L के बाद आता है वो, तो हमें A वाला भी हट जाएगा मतलब A वाला भी पहले आएगा। अब हमारे पास दो बचा, अब दो में F F O तक तो हो चुका है, तो F O तक, और तीसरा लेटर भी R है तो इस R तक छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें देखना है कि कौन सा बाद में आएगा। अब देखिए इसमें G आ रहा है, तीन लेटर के बाद इसमें G आ रहा है और इसमें M आ रहा है, तो पहले कौन सा आएगा, G पहले आता है तो A वाला भी हट जाएगा, तो हमारा लास्ट वाला लेटर कौन सा आएगा ये आएगा। यहाँ पे जो पूछा था जो शब्द अंत में आता हो उसे चुनिए, तो अंत में कौन सा आएगा ये आएगा फॉर्मल, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए अगला नंबर क्या आएगा वो पूछा है, क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे हमें जैसे कि ये नंबर देखते हैं इस सीरीज देखते ही एक चीज हमारे दिमाग में आता है क्या, ये 4 है फिर 9 है फिर 16 है फिर 25 है, ये 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो अगला क्या आएगा 6 का स्क्वायर, और ये 1 क्या है 1 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, इसका क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 14 नंबर में दोस्तों क्या पूछा है, देखिए 20 के बाद 19 आ रहा है मतलब -1, 19 के बाद क्या आ रहा है 17 मतलब -2, अब 17 के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे -3, तो -3 होगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों इसमें -3 करेंगे तो 14 आ जाएगा, फिर 14 के बाद देखिए -4 हुआ है, फिर इसमें क्या हुआ है -5 हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14, इसका बी नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 15वें नंबर में 2 के बाद 3 आ रहा है तो +1, 3 के बाद 5 आ रहा है +2, फिर 5 के बाद 7 आ रहा है +2, फिर 4 के बाद 11 आ रहा है मतलब +7, और 4 होने पर 11 +4, फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों +4 होना चाहिए, ठीक है इसके हिसाब से +4 होना चाहिए, लेकिन यदि +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, प्लस फिर +4 होना चाहिए क्योंकि सॉरी फिर प्लस कितना होना चाहिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, मतलब यदि इस सीरीज में चले पहले 1 जुड़ा फिर 2 जुड़ा फिर 4 जुड़ा, यहाँ पे कितना 4 यदि जोड़ते हैं तो 15 होगा, 15 के बाद फिर क्या 1 जुड़ना चाहिए तो 16 आना चाहिए, मतलब ये सीरीज चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीरीज नहीं चल रहा है, मतलब ये जो हमने लॉजिक लगाया है ये नहीं चलेगा, तो हमें देखना है कि कैसे आया होगा। तो जैसे 2 है
तो दो को हम कैसे बना सकते हैं इसको, एक का स्क्वायर प्लस एक तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, तीन, तीन का हम कैसे बना सकते हैं, तीन को हम बना सकते हैं दो का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं यहां पे क्या करना पड़ेगा, माइनस, माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्या है, पांच। अब पांच का क्या होगा दोस्तों, पांच का हम स्क्वायर करें दो का स्क्वायर प्लस वन कर दे तो कितना, पांच आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, सात। अब दोस्तों सात का कैसे करेंगे, सात का तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ माइनस दो, तो नौ माइनस दो कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा। इसी तरह अगला क्या है, ग्यारह, ग्यारह को करने के लिए तीन का स्क्वायर प्लस दो, तो कितना, तीन तीन नौ दस, ग्यारह हो जाएगा। इसी तरह ग्यारह के बाद क्या आएगा, अब दोस्तों एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सीरीज बढ़ रहा है, ठीक है, सीरीज बढ़ रहा है, मतलब तीन के बाद क्या आएगा, चार का स्क्वायर आएगा। फिर माइनस, अब माइनस कितना करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा, चार चौको सोलह, सोलह में हम क्या करेंगे, माइनस वन करते हैं तो कितना आता है, पंद्रह, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, पंद्रह आ जाएगा। अब पंद्रह के बाद देखते हैं, पंद्रह के बाद यहाँ कितना आना चाहिए, नेक्स्ट आना चाहिए सत्रह, सत्रह कैसे आया वो निकालना है, तो चार चौको सोलह प्लस वन, मतलब क्या आ जाएगा, सत्रह आ जाएगा। तो हमारा बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पंद्रह, मतलब डी नंबर इसका आंसर होगा। तो देखिए ऐसे हमें क्या कर, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें पता चलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी सोलवा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, देखिए टी का अभिप्राय गुणा है, यू का अभिप्राय क्या है, माइनस है, और वी का अभिप्राय क्या है दोस्तों, भागे है, और डब्ल्यू का अभिप्राय क्या है, प्लस है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये लेटर दिया है इसका कुछ अलग जो सिंबल है वो दे दिया है। तो बी का क्या होता है दोस्तों, बी से अभिप्राय भागे है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पचास बटे दो, पचास बटे दो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भागे देंगे तो कितना आ जाएगा, पच्चीस आ जाएगा, ठीक है, पच्चीस आ गया। अब डब्ल्यू, डब्ल्यू किसका सिंबल है, डब्ल्यू का, डब्ल्यू का मीनिंग क्या है, डब्ल्यू से अभिप्राय प्लस है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, अट्ठाईस टी, टी का क्या मतलब होता है, टी का मतलब है गुणा, मतलब अट्ठाईस इंटू चार हो जाएगा, तो चार अट्टे बत्तीस, हसीला तीन, चार दूनी आठ, और नौ दस ग्यारह, एक सौ बारह आ गया। एक सौ बारह प्लस पच्चीस कितना हो जाएगा, पाँच दो सात, और दो और एक तीन, एक सौ सैंतीस, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड मास, बोर्ड मास का रूल आपको फॉलो करना है जब भी गुणा भाग का आए, मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन भाग को, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा को, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है, मतलब जोड़ फिर घटाना। अब देखिए हमने पहले क्या किया, यहाँ पे भाग को सॉल्व किया, फिर क्या किया, यहाँ पे अंदर गुणा आ रहा था इसमें, तो गुणा को सॉल्व किया, फिर दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 137। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये बेन डायग्राम से है, देखिए इसमें क्या है, जिला, जिला, राज्य और देश, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए देश के अंदर क्या आता है, राज्य, और राज्य के अंदर क्या आता है, जिला, मतलब हमारा कौन सा बनेगा, ये बी नंबर बनेगा। बाहर वाला क्या हो जाएगा, देश, उसके अंदर क्या आएगा, राज्य, और उसके अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, राज्य के अंदर जिला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, खिलाड़ी, क्रिकेट और बल्लेबाज में कौन सा डायग्राम सही है, वेन डायग्राम में वो बताना। अब देखिए ये खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी के अंदर क्या आता है, खिलाड़ी के अंदर तो सब आ जाएंगे, क्रिकेटर भी आ जाएंगे, बल्लेबाज भी आ जाएंगे, तो खिलाड़ी के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्रिकेटर, क्रिकेटर खिलाड़ी के अंदर आएगा, और ये जो बल्लेबाज आता है वो क्या होता है, क्रिकेट में ही होता है बल्लेबाज, तो क्रिकेटर के अंदर क्या आएगा, बल्लेबाज, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसका आंसर सी नंबर। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों 19वां नंबर है, ये सिलोजिज्म से है ये क्वेश्चन, तो अच्छे से समझिएगा। कुछ स्टैंड रैक है, कुछ स्टैंड जो है वो क्या है, रैक है, वेन डायग्राम से। दोस्तों सिलोजिज्म के मैंने पांच पार्ट बनाया, यदि आपने वो नहीं देखा है जरूर देख लीजिए, उससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है, देखिए कुछ स्टैंड रैक है, कोई भी रैक बॉक्स नहीं है। अब रैक और बॉक्स के बीच में कोई संबंध नहीं है, रैक ए है और बॉक्स ए है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, सभी बॉक्स कार्टन है, सभी बॉक्स जो है वो क्या है, कार्टन है, ठीक है। ये तो हमारा पहला डायग्राम हो गया, इसी को हम दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं। कैसे, जब आप दोस्तों ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छे से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही डायग्राम बना के यदि आप आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, और दूसरा चीज क्या बोल रहा था, बी का जो है आर से कोई संबंध नहीं है, तो ये बी का आर से कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पे लास्ट जो कथन बोल रहा है वो क्या है, सभी बॉक्स कर्टन है, तो सभी बॉक्स को, कर्टन को इतना बड़ा भी बना सकता हूं मैं, ठीक है,
सभी कर्टन बॉक्स है। एक तो डायग्राम ए भी बन सकता है और बी का आर से संबंध नहीं है लेकिन एस के साथ संबंध हो सकता है, तो बी जो है यहां पे भी बन सकता है, ये भी एक संभावना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा पहला डायग्राम बन गया, ये दूसरा डायग्राम बन गया, मतलब ये हमारा बेसिक डायग्राम और ये वाला क्या है, पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कुछ कार्टन बॉक्स है, तो कुछ कार्टन बॉक्स है क्या, इस पहले वाले जो बेसिक डायग्राम उसके अकॉर्डिंग कुछ कार्टन जो है वो बॉक्स है, ये बॉक्स है और ये कार्टन है, तो कार्टन का कुछ हिस्सा क्या है, बॉक्स है, बिल्कुल सही है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और इसमें भी हमें देखना है, देखिए जब भी नॉर्मल कथन रहता है जैसे कि ये पहला वाला है उस केस में हमें क्या देखना है, जितने भी डायग्राम है जब सभी में सही होगा तभी जाके क्या मानेंगे, वो जो भी निष्कर्ष दिया है वो सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, सही कब मानेंगे निष्कर्ष को, जब कथन के अनुसार जितने डायग्राम बनेंगे सब में सही होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो कथन वो निष्कर्ष सही होगा। मतलब ये दोस्तों किसी भी तरह हमें क्या करना है, निष्कर्ष को गलत करने के लिए साबित करना, गलत करने की कोशिश करना है। यदि किसी भी एक डायग्राम में गलत होता है निष्कर्ष, मतलब क्या है, वो निष्कर्ष को हम सही नहीं मानेंगे। और संभावना के केस में क्या होता है दोस्तों, पॉसिबल केस में क्या होता है, जब भी किसी एक में सही होता है, किसी एक में टिक मार्क आ जाता है, मतलब किसी भी एक डायग्राम में यदि सही वो निष्कर्ष सही हो जाता है और चाहे 10 डायग्राम बन रहे हैं 10ों में गलत हो रहा है तो हमारा क्या होगा, उसका संभावना बनेगा। ठीक है, और लेकिन जब निश्चित मतलब जब हमें सही या कोई नॉर्मल जो निष्कर्ष दिया रहता है उसमें क्या करना पड़ेगा, सभी डायग्राम में सही होना चाहिए। तो इसमें तो फॉलो कर रहा है, कुछ कार्टन बॉक्स है, इसमें फॉलो कर रहा है कि नहीं देखते हैं। ये देखिए ये बॉक्स तो ये है और कार्टन वाला ये पूरा बड़ा वाला है कार्टन, तो इसका मतलब क्या है, कार्टन का कुछ हिस्सा बॉक्स है, तो इस डायग्राम में भी सही है। मतलब क्या होगा, पहला वाला निष्कर्ष फॉलो करता है दोनों को केस में। ठीक है, अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, सभी रैक के कार्टन होने की एक संभावना। रैक कहाँ है, ये है रैक, और कार्टन कहाँ है, ये वाला कार्टन है। अब इन दोनों के बीच तो कोई संबंध है नहीं, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ये गलत है। लेकिन दूसरे डायग्राम में देखिए, सभी रैक के कार्टन होने की संभावना है, तो सभी रैक जो है वो कार्टन के अंदर आ गया, मतलब इसमें संभावना बन रहा है, तो यहाँ पे सही होगा। मतलब संभावना के केस में यदि दोनों में से किसी एक में सही होता है तो उस निष्कर्ष को तो सही माना जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करता है, ठीक है, कथन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, देखिए सभी कागज मील है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दे दिया, कथन दे दिया, सभी जो है कागज वो क्या है, मील है। ठीक है, और सभी मील फैक्ट्री है, सभी जो है मील वो क्या है, फैक्ट्री। अब निष्कर्ष में क्या दिया, सभी मील कागज है। अब सभी मील कागज है क्या, देखिए सभी जो है मील, ये है मील, सभी मील कागज है क्या, नहीं है, क्योंकि देखिए कागज, सभी कागज मील हो सकता है लेकिन यहाँ पे सभी मील जो है वो क्या है, कागज नहीं है। तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये जो निष्कर्ष है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यदि संभावना के केस में पूछता कि सभी मील कागज होने की संभावना है क्या, निष्कर्ष में ऐसा बोलता, तो इसी डायग्राम को मैं जो कागज और मील को लिखा हूं, जैसे ये सभी कागज मील है, तो सभी कागज जो है वो क्या है, मील है, सभी कागज मील है। इसी डायग्राम को ऐसे भी बना सकते, एक ही डायग्राम में दोनों बराबर हो, कागज और मील दोनों एक ही डायग्राम के अंदर हो, तब भी वो हमारे कथन को, तो ये जो कथन है उसको गलत तो नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही है कि सभी कागज जो है मील है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। इसी तरह यदि निष्कर्ष में ये पूछा जाता कि सभी मील के कागज होने की एक संभावना है, तो संभावना यहां पे क्या हो जाता, बन जाता, एक संभावना बन जाता है, क्योंकि इसमें तो नहीं दिख रहा है कि इसमें कोई संभावना, लेकिन इस डायग्राम में, दूसरे डायग्राम में संभावना का केस में एक संभावना बन जाता कि सभी मील जो है कागज बन जाए। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन में नॉर्मल ही पूछा था कि सभी मील कागज है, तो सभी मील क्या है, कागज है क्या, नहीं है, तो ये हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। अब इन दोनों में यदि देखोगे तो यहाँ पे नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे सही हो रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं हम दोस्तों, एक में गलत एक में सही है और नॉर्मल हमारा निष्कर्ष है, तो उसको हम क्या मानेंगे, रॉन्ग मानेंगे। नॉर्मल निष्कर्ष को हमें क्या मानना है, हमेशा जब दोनों में सही हो तभी जाके उसको क्या मानना है, सही मानना है, ट्रू मानना है। नेक्स्ट क्या दिया है निष्कर्ष, सभी कागज फैक्ट्री है, सभी कागज फैक्ट्री है का, कागज जो है ये है और फैक्ट्री ये बाहर वाला है, मतलब फैक्ट्री के अंदर कागज आ रहा है, मतलब सभी कागज जो है वो क्या है, फैक्ट्री है, तो दूसरा निष्कर्ष सही है।
तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो जो है फॉलो करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, यदि कुछ अभी भी मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए किस टाइप के वीडियो चाहिए और किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, मैं जरूर उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।